रात में 2 मिनट इसे लगा लो दोस्तों, और सुबह चेहरा इतना गोरा इतना निखरा हो जाएगा ना कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज की जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल इफ़ेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, जो आपके चेहरे से धब्बों को हटाने वाली है, आपके चेहरे से फाइन लाइंस को हटाने वाली है, आपके चेहरे में ग्लो और निखार लेके आने वाली है। बिल्कुल ईजी और सिंपल रेमेडी है, आपके किचन में ही ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और मतलब ये ऐसा ना फेस पैक है ना फेस वॉश है दोस्तों, बस छोटा सा एक रेमेडी है दोस्तों, जो जितनी ज़्यादा छोटी है ना उससे कई ज़्यादा गुना इफेक्टिव रेमेडी है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से है। तो इसके लिए चाहिए दोस्तों आपको सबसे पहले एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, फाइन लाइंस को दूर करता है, रिंकल्स को दूर होता करता है, हमारे चेहरे में ग्लो निखार लेके आने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे चाहे तो आप इंस्टेंट जब डेली अपने चेहरे पे लगाएं तो अपने हाथों पे भी इसे बना सकती हैं। उसके बाद आपको ऐड करना है दोस्तों बादाम तेल। बादाम तेल आपको पता है चेहरे से फाइन लाइंस ग्लो लेके आने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आधा चम्मच के करीबन अगर आपने एलोवेरा जेल लिया है तो 4 से 5 ड्रॉप के करीबन आपको यहाँ पे बादाम तेल लेना है। और उसके बाद ऐड करना है आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो विटामिन सी से भरपूर होती है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज ले रही हूँ, ऑरेंज का जूस, तो ये भी मैं आधे चम्मच के करीबन लूँगी दोस्तों। आप चाहें तो आपके पास अगर ऑरेंज जूस नहीं है तो इसकी जगह में आप यहाँ पे लेमन जूस भी ले सकती हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तीनों ही बहुत कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे चेहरे पे ग्लो और निखार लेके आने के लिए। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए दोस्तों तो इसे आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें, क्लीन कर लें दोस्तों। इस रेमेडी को आपको रात को ही अप्लाई करना है, तब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ये रेमेडी देती है दोस्तों। तो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी या जितना भी आपने बनाया है इसको 1 चम्मच के करीबन इस तरीके से इसको अपने हथेली पे लेना है और पूरे अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करनी है 5 मिनट्स तक। और हेड जहाँ पे आपका कालापन है, यहाँ पे चिन के साइड्स में यहाँ पे डार्क सर्कल हैं, वहां पे अच्छे से मसाज करेंगे 5 मिनट। तब तक मसाज करनी है जो एलोवेरा जेल है वो पूरी तरीके से आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये रेमेडी दोस्तों आपको डेली अपने चेहरे पे करनी है, ऐसा नहीं है आपने आज करा फिर 4 दिन में। डेली कम से कम 15 दिन आप अपने चेहरे पे करेंगे ना दोस्तों, तो 16वें दिन आपको अपने चेहरे पे जो ग्लो नजर आएगा ना, धीरे धीरे वैसे आपको ग्लो नजर आता नजर आएगा, बट जो 16वां दिन होगा ना वो आपकी स्किन आपको खुद बिलीव नहीं कर पाओगे, इतनी अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी ना। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको कोई भी फेस वॉश या आपको मुंह नहीं धुलना है, सिंपल अप्लाई करके आपको ऐसे ही सो जाना है दोस्तों। कंटिन्यूअसली 10 से 15 दिन आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और इसके जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छे रिजल्ट इस रेमेडी का आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की ये रेमेडी आपको मेरी जरूर पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी तो करना क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा।